Assalamu alaikum students, I am Dr. Muhammad Idris. I am again here for the new topic, Measures of Disposition. This is part 1 of the lecture and this is lecture number 13. In last lectures we discussed measures of central tendencies, or they are called averages. Measures of central tendencies are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mod mean, median, and two others measures are mid range and mid quartile range. These all we have discussed in the previous lectures. Mid range and mid quartile range, the formula for the mid range is xm plus x0 over 2, where xm is the largest observation, largest value in the data. For example, if students' marks start from 50 to 80, if the largest marks is largest value is 80, then xm will be 80. And if the smallest number is 51, then x naught value is 51. So in this way, if you add these two and divide it by 2, you can find the mid value. So this is also a central measure of central tendency. Yani ke aap first or last ko add karke divide by 2 kar rahe hain. It means ki aapka koi mid value aap nikal rahe hain jo aapke data set ki mid value hai. ठीक है, इसलिए ये भी एक एवरेज है. मिड रेंज इज आल्सो एन एवरेज. इसी तरह से मिड क्वार्टाइल रेंज है. क्वार्टाइल्स आपने पढ़े हैं, क्यू वन इज लोअर क्वार्टाइल एंड क्यू थ्री इज अपर क्वार्टाइल. क्यू वन 25% ऑफ डेटा होता है, यानी 25% पे जो वैल्यू आ रही है, यानी 1/4 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्यू वन होता है. क्यू थ्री जो है वो 3/4 पे जो वैल्यू आ रही होती है, 3/4 ऑफ द डाटा 75% पे जो वैल्यू है वो Q3 होता है. और अगर 50% ऑफ द वैल्यू है वो Q2 होता है, और दैट इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन जो है ना वो 50% ऑफ द डाटा होता है, यानी कि मिडल वैल्यू जो है. और Q1 1/4 वैल्यू है और Q3 जो है वो 3/4 वैल्यू है. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट मीडियन ही आना चाहिए ना. अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो मीडियन के आसपास वैल्यू ये आनी चाहिए. ठीक है, तो अगर मीडियन के आसपास वैल्यू आ रही है तो इट मींस कि ये भी एक एवरेज है. तो ये भी एक दो 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 जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए हैं, मिड रेंज एंड मिड क्वार्टाइल रेंज, बोथ आर एवरेजेस. इनकी एग्जाम्पल आगे हम करते हैं. और लेकिन अब हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. मेजर ऑफ डिस्पर्शन. द डिस्पर्शन मेजर्स द वेरिएबिलिटी इन द डाटा. यानी कि जो डिस्पर्शन है वो हम ये देखेंगे कि डाटा जो है उसमें वेरिएशन कितनी है. जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 50 से लेकर 90 तक हैं तो वेरिएशन जो है ना इसकी 50 से 80 तक है. अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 80 तक हैं तो वेरिएशन होगी 60 to 80. लेकिन जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादातर हम जो मिडल वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू है, उससे मेजर करते हैं. यानी जो एवरेज वैल्यू जो भी होगी हम देखेंगे कि डाटा की वैल्यू उससे कितनी दूर है. ठीक है, उसमें वेरिएशन क्या है. ज़्यादातर जो डिस्पर्शन है वो हम जो मिडल वैल्यू है वहाँ से मेजर करते हैं. वहाँ से वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा जो है ना पता चलता है. तो ये आगे हम करेंगे डिस्पर्शन की. बहुत सारे ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे हम मेजर करेंगे डिस्पर्शन. सेकंड पॉइंट इज इट इज क्वाइट पॉसिबल डैट टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा मे हैव द सेम एवरेज.
but their individual observations may differ considerably from the average. यानी कि अगर उनकी एवरेज सेम है, बस सेट ऑफ डाटा होता है जिनकी आप कहते हैं कि दो क्लासेज हैं, उनकी एवरेज सेम आती आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ जो इसमें देखी जाएगी वो वेरिएबिलिटी देखी जाएगी, कि हम देखेंगे कि डाटा का डिस्पर्शन जो है वो क्या है। यानी कि मीन से हम देखेंगे, जो एवरेज है उससे देखेंगे कि डाटा की वैल्यूज कितनी डिस्पर्स हुई हैं, कितनी स्कैटर्ड हैं वैल्यूज, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है वो मीन, जो है वो मीन एवरेज है, वो स्टूडेंट्स के मार्क्स की वो 80 आ रही है, ठीक है, और एक सेट में जो वेरिएशन है वो 70-80 तक है, 70-90 तक है, एक सेट में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 70 से लेकर 90 तक हैं और एवरेज 80 है, तो आप देखेंगे इसमें वेरिएशन कम है। मीन से अगर आप देखें, मीन 80 है और जो डाटा है उसमें अगर 70-90 वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन इसमें अबाउट जो एवरेज है वो 10 आ रही है। लेकिन अगर एक और क्लास है उसकी एवरेज भी 80 है और उसमें जो वेरिएशन है वो 60-95 है, तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन स्टूडेंट कोई ऐसे भी हैं जो कि वीक हैं, वीक स्टूडेंट को आप कह सकते हैं जिनके मार्क्स कम हैं, और जो दूसरी क्लास है उसको आप कह सकते हैं कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि वो क्लास जो है वो ज़्यादा अच्छी है। इट मीन्स कि वेरिएबिलिटी हमें ये बताएगी, डाटा के बारे में हमें बताएगी, जैसे मार्क्स का डाटा है तो ये हमें ये बताएगा कि कौन सी क्लास अच्छा बिहेव कर रही है, कौन सी क्लास बेहतर है, किस क्लास के मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वी देयरफॉर नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद हाउ द डेटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द एवरेज, यानी अबाउट एवरेज हम देखेंगे डाटा की वैल्यू कितनी दूर है, डेविएशन देखेंगे, डेविएशन दिस इज नोन एज डेविएशन, डिफरेंस फ्रॉम एवरेज इज नोन एज डेविएशन, दिस इज डन बाय मेजरिंग द डिस्पर्शन बाय विच वी मीन द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल और इन अ पॉपुलेशन वेरी अबाउट देयर मीन। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि अबाउट मीन हम डाटा की डिस्पर्शन जो है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वन इज एब्सोल्यूट एंड अदर इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट मेजर्स द डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट्स, यानी कि अगर मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के तो जो डिस्पर्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी मार्क्स को ही शो करेगी, यानी वेरिएबिलिटी अगर आप चेक देखेंगे उसकी, डेविएशन देखेंगे, वो भी आप कहेंगे कि मीन से इतने मार्क्स का डिफरेंस है तो मार्क्स में आएगा। अगर सेंटीमीटर में कोई लेंथ है तो आप कहेंगे ये सेंटीमीटर में लेंथ है, तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस करेगी, यानी कि एब्सोल्यूट मेजर को आप कह सकते हैं कि उसके कोई ना कोई यूनिट्स ज़रूर होंगे, और यूनिट्स वही होंगे जो कि डाटा की वैल्यूज के होंगे। एंड अदर इज रिलेटिव मेजर, तो जब रिलेटिव मेजर की बात होती है तो ये कंपैरिजन हम करते हैं इसका दूसरी यूनिट्स के साथ, तो जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है तो वो एक रेशियो होती है, एंड रेशियो हैज़ नो यूनिट। तो जब भी कोई रेशियो आएगी तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, तो रिलेटिव मेजर के यूनिट नहीं होगी, इसमें जस्ट कंपैरिजन हम करेंगे किसी और वैल्यू के साथ। एट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन that measures the dispersion in terms of same unit. A relative measure of dispersion is one that is expressed in the form of ratio, coefficient or percentage that is independent of the units of measurement. यानी उनके कोई यूनिट नहीं होंगे, रिलेटिव मेजर को हम रेशियो में करेंगे या उसको कहेंगे कॉफिशेंट है, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कह देंगे उसको, या परसेंटेज में उसको हम लिखेंगे। A relative measure of dispersion is useful for comparison of data of different natures.
यानी कि रिलेटिव मेजर में हम डाटा को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ना, वो ये हम तीन चार हैं जो हम करेंगे। द मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर द रेंज, द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और द एवरेज डेविएशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वेरियंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस करते हैं, जो डिस्पर्शन का सबसे पहला यूनिट है रेंज है, फिर सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड देन मीन डेविएशन एंड देन एट द एंड वेरियंस। द रेंज आर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। यानी रेंज से ही आपको पता चल रहा है कि रेंज के नाम से ही कि ये वैल्यूज की रेंज होगी डाटा की, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसका फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्स नॉट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। व्हेन द डाटा आर ग्रुप्ड इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज इज एस्टिमेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाइएस्ट क्लास एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी रेंज हमें ये बताएगा कि वैल्यूज की जो डाटा की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी किस रेंज में डाटा जो है ना वो फैला हुआ है। जैसे कि मिनिमम मार्क्स 60 है और मैक्सिमम मार्क्स 90 है, तो रेंज ऑफ डाटा विल बी 30, 90 माइनस 60, यानी 30 की रेंज में आपका डाटा है, इतना भी डाटा है उसकी रेंज 30 में है। तो इसका मतलब अगर रेंज कम होगी, फॉर एग्जाम्पल एक और क्लास है उसके मार्क्स 70 टू 90 है, तो उसकी रेंज कम है, उसकी रेंज 20 आ रही है, देन तो फिर हम क्या कहेंगे, कौन सा जो क्लास जो है ना वो बेहतर है, कौन सी क्लास बेटर रिजल्ट दे रही है। तो ज़ाहिर है सेकंड क्लास जो है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रही है क्योंकि उसकी रेंज कम है। रिलेटिव मेजर ऑफ द रेंज, रिलेटिव मेजर भी इसका देखते हैं। एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, यानी डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, उनको ऐड कर लिया, मिनिमम और लार्जेस्ट को ऐड कर लिया, तो हम जो रेंज है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल सम ऑफ वैल्यूज से। एक्स एम यानी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने ऐड कर लिया, तो ये टोटल सम ऑफ वैल्यूज आ गए, और इसको हम डिफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं कि कितना ये डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू भी अगर पॉइंट में कम आएगी तो हम कहेंगे कि ये डाटा जो है ना वो बेटर है, मार्क्स का डाटा अगर है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो दिस इज़ अ प्योर नंबर एंड इज़ यूजफुल फॉर एंड इज़ यूज फॉर पर्पस फॉर द पर्पसेज ऑफ कंपैरिजन। एग्जांपल नंबर वन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, these are marks, find the mid range and the coefficient of dispersion. If the from the data the largest value is 48, xm is 48 and the smallest value is 32, so the mid range will be, mid range is an average, mid range will be 40। यानी कि अगर आप देखें कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 40 के करीब करीब हैं ज़्यादा, तो एवरेज जो है ना वो 40 आ रही है इसकी। एंड द रेंज विल बी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स एम माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू 48 माइनस 32, द आंसर इज 16। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन विल बी 48 माइनस 32 एंड 48 प्लस 32, सो आंसर विल बी 16 ओवर 80 एंड 0.2।
तो 0.2 जो है ना वो इज़ क्वाइट स्मॉल वैल्यू। तो ये हमें बता रही है कि डेटा जो है वो उसमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, वेरिएशन कम है इसमें। डिसएडवांटेजेस, द रेंज हैज़ डिसएडवांटेजेस, टू सीरियस डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज इट इग्नोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इमीडिएट ऑब्जर्वेशंस, इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस। यानी जो रेंज है उसमें सिर्फ हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को ही लेते हैं, इसमें हम बाकी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते वो क्या वैल्यूज़ हैं। हो सकता है कि बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा की वो ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू के करीब जा रही हो, या हो सकता है कि जो ज़्यादातर वैल्यूज़ उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू के करीब हो। तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये डाटा जो है ना वो किस तरह का है, या अगर ये मार्क्स हैं तो क्लास के मार्क्स बेटर हैं या कि बेटर नहीं हैं, ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। एंड सेकेंडली, इस वैल्यू इज़ बेस्ड ओनली ऑन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, इट माइट गिव मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द स्प्रेड इन द डाटा। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये वैल्यू जो है ना वो हमें नहीं पता कि डाटा की वो कहाँ पे है ज़्यादा आ रही है, स्मॉलर वैल्यू ज़्यादा है या लार्जर वैल्यू ज़्यादा है। इट इज़ देयर फॉर एन अनसेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये कोई इतना अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डाटा की सारी वैल्यूज नहीं आ रही और बाकी डाटा की वैल्यूज़ का हमें नहीं पता है वो किस तरह की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। द क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज Q3 - Q1/2, यानी 75% ऑफ द डाटा माइनस 25% ऑफ डाटा। तो आपके पास ये एक रेंज आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाई टू, तो ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नॉर्मल डेटा होता है उसकी रेंज, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो Q3 और Q1 के बिटवीन ही होती हैं। ज़्यादा वैल्यू जो है ना, यानी Q3 - Q1 करते हैं तो वो डेटा डेटा की मोस्टली वैल्यूज़ को वो कवर कर लेता है। इट मेजर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि Q1, Q2, Q3 डेटा की वैल्यूज़ हैं और डेटा जो है वो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रिक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। द क्वार्टाइल डेविएशन हैज़ एन अट्रैक्टिव फीचर डेट द रेंज मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द डेटा। यानी क्वार्टाइल डेविएशन जो भी आती है उसमें अगर आप मीडियन को ऐड कर लें, मीडियन मिडिल टर्म होती है ना, तो डाटा की ये 50% वैल्यूज़ को कवर करेगी। यानी डाटा की 50% वैल्यूज़ जो है ना वो इस रेंज में आ रही होंगी। मीडियन में प्लस करें आप QD और मीडियन में माइनस करें आप QD को, तो जो आपके पास इंटरवल आएगा उस इंटरवल में डाटा की 50% वैल्यूज़ होंगी, डेटा की 50% वैल्यूज आएंगे। द क्वार्टाइल डेविएशन इज सुपीरियर टू रेंज एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशंस। यानी ये रेंज से बेटर है, ये इसकी जो डिस्पर्शन है ये ज़्यादा बेहतर है। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, इजी टू कैलकुलेट। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये भी एब्सोल्यूट मेजर है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में, मीटर में, या जो भी डाटा की यूनिट्स होंगे, डाटा वैल्यूज के जो यूनिट्स होंगे उसी में इसकी वैल्यूज आएंगी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा। तो ये भी डाटा की सारी वैल्यूज को नहीं ले रहा, सिर्फ Q1 और Q3 को ही ले रहा है, इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा ये है, लेकिन रेंज से कुछ बेहतर है ये। हम कह सकते हैं कि रेंज से ये बेहतर है, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेटर देन अ रेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन से स्टार्ट करेंगे और इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन
वो भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।